बार बार भगवान के कपोलों से स्पर्श होगा और लक्ष्मी जी भगवान के कपोलों का स्पर्श कर पाए, इसलिए लक्ष्मी जी ही भगवान के कुंडल बनकर प्रकट है। तो भगवान के कुंडलों के दर्शन करने चाहिए और फिर भगवान के सुंदर चमकते दमकते मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। कैसा सुंदर भगवान का मुख है, सुंदर आंखें हैं जो कमल के समान है, सुंदर सुभग नासिका है, भगवान के लालिमा युक्त होठ हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप है, उनके दर्शन करने चाहिए। माथे पर सुंदर तिलक लगा है जो बड़ा शोभायमान है, और तब भगवान अपने सिर पर पगड़ी धारण किए हैं जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, ऐसा मोर मुकुट वाला मुकुट भगवान पहने हुए हैं, उस मुकुट के दर्शन करने चाहिए। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार भगवान के चरणों से लेकर शिर तक जब हम भगवान का सुंदर दर्शन करें, और तब अपने नेत्रों को धन्य मानकर, नेत्रों का उत्सव मानकर, मंदिर में कुछ स्थान होता है बैठने का, दर्शन के बाद बैठने का स्थान होता है, वहाँ बैठकर आंख बंद करके फिर स्मरण करना चाहिए कि जो दर्शन हमने प्रभु का किया था, क्या वो दर्शन हमें याद है? भगवान किस रंग की धोती पहने थे, कैसा पीतांबर ओढ़े थे, कैसे कुंडल थे, कैसा हार था? अपनी मैचिंग तो हम खूब मिलाते हैं, कैसी साड़ी है तो ऐसे सेट लेंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कभी भगवान पर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे वस्त्र हैं, कैसे आभूषण हैं, उनके संग में श्रीमती राधा रानी सुशोभित हैं, वे कैसी लग रही हैं, यह सब देखना चाहिए। और जब कोई भक्त प्रतिदिन अर्चा विग्रहों के दर्शन करता है तो वो देख सकता है, किसी दिन भगवान अधिक मुस्कुराते हैं, किसी दिन थोड़े गंभीर होते हैं, कभी बड़ा करुणा वाला भगवान का स्वरूप होता है, तो ऐसा भक्तों को समझ आता है। तो इस प्रकार से कुंती देवी कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कि आपके कमल के समान नेत्रों को, कमल के समान मुख को, कमल के समान नाभि को, कमल के समान चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन कुंती महारानी ने थोड़ा क्रम बदल दिया, कैसे दर्शन करने चाहिए, पहले मुखमंडल के फिर पैरों के, ऐसे ही दर्शन करने चाहिए, फिर सबसे पहले पैरों से प्रारंभ करके मुख तक। लेकिन कुंती महारानी ने क्या किया, कुंती महारानी ने नाभि से दर्शन प्रारंभ किया, कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, पहले नेत्रों तक पहुंच गई ना, पंकज नाभि को, कमल नाभि को प्रणाम है, जिनकी कमल की माला है उन भगवान को प्रणाम है, जिनके कमल के समान नेत्र हैं उन भगवान को प्रणाम है, और फिर कहा जिनके चरण कमल के समान है उन भगवान को प्रणाम है। तो कह सकते हैं कि चरणों को बाद में क्यों प्रणाम किया, आप लोगों को क्या लगता है क्यों चरणों को बाद में प्रणाम किया? हाँ, क्योंकि कुंती महारानी जानती हैं कि भगवान भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भी जानती हूँ कि ये प्रभु हैं, लेकिन क्योंकि लीला में मैं इनकी बुआ हूँ और भगवान बड़ा संकोच कर रहे हैं, अरे ये तो मेरी बुआ जी हैं, माता के समान है और चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, पुत्र माता के पांव पड़ता है, उन्हें प्रणाम करता है, अब माता ही प्रणाम करने लगे तो यह तो ठीक नहीं है। तो कुंती महारानी ने भगवान संकोचित ना हो इसलिए पहले और सभी प्रणाम कर लिया और अंत में चरणों को प्रणाम कर दिया। इस प्रकार से कुंती महारानी सुंदर प्रार्थना करती हैं। आगे वर्णन आता है, कुंती देवी कहती हैं कि प्रभु मैंने आपका इस प्रकार से दर्शन किया, मेरे नेत्रों में बड़ा आनंद है और मैं नित्य निरंतर आपकी प्रार्थना करती रहूं, आपकी भक्ति में लगी रहूं, ऐसी कृपा करें। अब भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए आप सभी को पता है, एक बड़ा सुंदर भजन है उसका हम स्मरण करेंगे और आप लोग एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से, कैसे दर्शन करें भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से, कैसे दर्शन करें भगवान के, बात
करे भगवान के आज सुनो तन के ध्यान से नित नियम से मंदिर जाए प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए नित नियम से मंदिर जाए प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए चरणों को देखे सबसे पहले कैसे पायल घुंघरू पहने चरणों को देखे सबसे पहले कैसे पायल
बोलिए राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह दर्शन की विधि है, अब जब भी मंदिर जाएं इस विधि से दर्शन करना है और बैठकर फिर चिंतन करना है। आगे कुंती महारानी कहती है कि हे भगवन, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेध्यमानम अधः पुमान नैवाहर्तुं विधातुं द्वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे कृष्ण, जिनका जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ है, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, जिनका बहुत नाम है, बहुत यश है, कीर्ति है, ऐसे लोगों को आप सरलता से प्राप्त नहीं होते, फिर किसको प्राप्त होते हैं? तो कहा त्वाम किंचन गोचरम, जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन जिनके हृदय में आपके प्रति प्रेम है, ऐसे अकिंचनों के आप गोचर हैं, ऐसे अकिंचनों को आप प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यदि हमारे पास धन है, वैभव है तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हमारी उन ऐश्वर्य में वैभव में आसक्ति है तो भगवान नहीं मिलेंगे। अन्यथा तो अम्बरीश महाराज उदाहरण है, इतने बड़े राजा थे, इतना वैभव संपत्ति ऐश्वर्य सब उनके पास था, लेकिन क्या करते थे? उसे भगवान की सेवा में लगाते थे, अपनी सभी इंद्रियों से भगवान का भजन करते थे और भगवान तो उनके समीप ही रहते थे, भगवान तो भक्त वत्सल है। तो यदि कोई इन सब के बाद भी भक्ति करता है तो भगवान फिर उसके साथ में होते हैं। अब एक ऐसा श्लोक कुंती महारानी कहती हैं, वैसे तो कई सारे श्लोक हैं लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, तो कुंती महारानी कहती हैं, हे नाथ, मैं आपकी बुआ हूँ, अब आप जा रहे हैं, क्या जाते जाते मुझे कुछ देंगे नहीं, कोई वरदान नहीं देंगे? भगवान ने कहा, अरे मैया, आप तो मेरी बुआ है, मांगिए आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुंती देवी ने कहा, नाथ मैं चाहती हूँ विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मेरे जीवन में जितनी विपत्तियां, जितने कष्ट, जितने संकट आए हैं, जैसे भीम को विष दिया गया, लाक्षाग्रह की अग्नि में हमें मारने का प्रयास किया गया, फिर ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, पहले मेरे पति पांडु का देहांत हो गया, बड़े कष्ट हम पर आए हैं, मुझ पर और मेरे परिवार पर आए हैं, लेकिन हे नाथ, ये जितने कष्ट आए हैं, मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये कष्ट बार बार आए। विचार कीजिए, कैसी प्रार्थना की? हम तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारे जितने कष्ट हैं, संकट हैं, वो सभी चले जाएं, आप हमारे कष्टों को हर लीजिए, सुख दे दीजिए। और कुंती महारानी कहती हैं, जितने कष्ट आए हैं वे बार बार आए, और उनके कष्ट कोई सामान्य नहीं थे, हम लोगों के जीवन में उनके जीवन जैसा एक भी कष्ट नहीं है, कितने महान संकट थे। लेकिन फिर क्यों ऐसा कुंती देवी कहती है? तो कुंती महारानी कहती हैं, भगवान की बुआ हैं, बहुत समझदार हैं, कहती हैं, भगवान जब जब जीवन में संकट आता है तब तब भगवान का स्मरण होता है, और जब भगवान का स्मरण होता है तो भक्तों की पुकारने पर भगवान तो व्याकुल होकर तुरंत रक्षणार्थ आ जाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तब दुख तो भाग जाते हैं और आनंद स्वरूप साक्षात भगवान आ जाते हैं। तो हे नाथ, जब जब जीवन में संकट आए हैं तब तब आप हमारी रक्षा के लिए आए हैं, और नाथ आपसे मिलन हो, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इसका अर्थ है कि कुंती महारानी भगवान को चाहती हैं, लेकिन जानती हैं कि भगवान मिलते कैसे हैं। यदि भगवान से हमने यही मांग लिया और इतने में ही संतुष्ट हो गए कि हमारे दुख हर लीजिए, सुख दे दीजिए, तो घाटे का सौदा कर लिया। भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए, आप ही हमारे पास आ जाइए। ऐसा सुख भी किस काम का कि भगवान का ही विस्मरण हो, भगवान ही याद ना आए।
इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि आपके दर्शन होते रहे, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए, विपत्तियां चाहिए, वास्तव में भगवान को ही मांगा। उसके बाद कुंती देवी कहती हैं कि भगवान आप यहीं पर ठहर जाइए थोड़े दिन और, क्योंकि आप चले जाएंगे तो ये जो हरी भरी भूमि दिख रही है ये वैसी नहीं रहेगी, ये जो नदियां स्वच्छ जल प्रवाहित कर रही हैं ऐसा नहीं होगा, हे नाथ आप मत जाइए। कुंती महारानी के निवेदन पर भगवान कुछ दिनों के लिए और ठहर जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए थे और भगवान ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनके समीप गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु इस जगत में जितने भी भक्त हैं वे आपका स्मरण करते हैं और आप किसका ध्यान लगा कर बैठे हैं? भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा स्मरण करते हैं और मैं ध्यान में अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ। अच्छा, तो कौन ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जिनका स्मरण आप कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, मैं अपने प्राण प्रिय भक्त भीष्म पितामह का स्मरण कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पितामह का स्मरण कर रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे पितामह का। लेकिन वे तो, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे तो वहाँ शरशय्या पर लेटे हुए हैं और इस प्रकार से युद्ध भूमि में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे तब वे अपने शरीर का त्याग करेंगे। भगवान ने कहा, एकदम सही बात है, लेकिन मुझे भीष्म पितामह की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, चलो हम सभी उनके पास चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है, हमारे पितामह के पास चलते हैं। और पांचों पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं भीष्म पितामह के पास और भगवान को देखते ही भीष्म पितामह अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहे हैं, लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर। सोचिए कितना कष्ट है, बाणों की शैया पर इतने दिन से लेटे हुए हैं और भगवान का लेकिन नित्य निरंतर स्मरण कर रहे हैं, भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं। जैसे ही भगवान आते हैं तो भगवान को देखकर भीष्म पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुड़लोचनोल्लसन मुखाम भुजो ध्यान पथश्च त्रिभुजः। हे भगवान, आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप मुस्कुराते हुए यहाँ पर खड़े हैं, अभी जब तक यहाँ भीष्म पितामह तैयार हो रहे हैं आप लोग कथा पर ध्यान दीजिए ताकि समझ तो सके कि ये झांकी किस चीज की बन रही है। तो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार आप अभी मुस्कुराते हुए खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहिएगा, कब तक? जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना करूं, मैं अभी पांडवों से बात करूंगा और कार्य करूंगा, लेकिन आप, भगवान को आदेश दे रहे हैं, आप इस प्रकार खड़े रहिएगा मुस्कुराते हुए जब तक मैं शरीर का त्याग ना करूं। भगवान ने कहा ठीक है और भगवान मुस्कुराते हुए वहां पर खड़े हो जाते हैं। भगवान खड़े हैं, भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में भगवान ने पांचों पांडव जो साथ में खड़े थे उन्हें इंगित करते हुए कहा कि युधिष्ठिर महाराज, आपके जितने भी प्रश्न हो अभी पूछ लीजिए भीष्म पितामह से, क्योंकि ऐसे भगवत प्राप्त संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जिन्हें इतना ज्ञान है, ना तो कभी हुए हैं ना आगे कभी होंगे, इसलिए आपके जितने संशय हैं, आपको प्रजा द्रोह का और इतना पाप हो गया, भीष्म पितामह से जो संदेह है सब पूछ लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज कई प्रश्न पूछते हैं और तब महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है भीष्म पितामह राज धर्म का, स्त्री धर्म का, ब्रह्मचारी के धर्म का, गृहस्थ के धर्म का, वानप्रस्थी के धर्म का, संन्यास धर्म का, सबका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक वर्णन है कि जो दस्यु हैं, दस्यु अर्थात जो चोर लुटेरे पापी होते हैं, उनका क्या धर्म है, वे ऐसा क्या करें कि उन्हें भी
जीवन भर तो पाप किया है, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि उनका भी कल्याण हो जाए। उनके भी धर्म का वर्णन महाभारत में भीष्म पितामह करते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन, बड़ा विशद, कई अध्यायों में यह संवाद है पांडवों का और भीष्म पितामह का। यह सारा संवाद किया और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की ओर निहारने लगे। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, भीष्म पितामह को पता है अब मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। अभी तो धारा प्रवाह से कई विषयों पर बिना अटके बोलते जा रहे हैं। जो प्रश्न भी युधिष्ठिर करते हैं, सभी की ओर से उन सबका उत्तर देते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, भीष्म पितामह तैयार हो जाते हैं कि अब मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। अब इसकी भी संत लोग बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में तो थे, लेकिन ये जो सूर्य हमें दिखता है, ये सूर्य उत्तरायण नक्षत्र में प्रवेश करे इसकी प्रतीक्षा में नहीं थे। फिर कहा, क्या अर्थ है सूर्य का और उत्तरायण का? तो कहा, जब कृष्ण रूपी सूर्य उत्तरायण, आयन का एक अर्थ संस्कृत में गर्भ भी होता है, तो भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य रूपी कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे और परीक्षित की रक्षा करेंगे और मेरा यह वंश सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि शांतनु महाराज को भीष्म पितामह वचन देते हैं कि पिताजी, आपने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, लेकिन मैं भी वचन लेता हूँ कि जब तक यह कुरुवंश सुरक्षित नहीं होगा, चारों ओर से सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। तो अभी तो सुरक्षित नहीं है, ठीक है, पांडव बन गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है, लेकिन फिर भी परीक्षित की जब रक्षा होगी, परीक्षित जब बच जाएंगे उत्तरायण में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश भगवान करेंगे, तब भीष्म पितामह पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर और बिना किसी संशय संदेह के तब अपने प्राणों का त्याग करेंगे। तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा कर ही दी है और अब भगवान प्रकट हुए हैं। तो भीष्म पितामह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जैसे ही उचित समय हुआ, एकादशी का दिन है, सुबह का समय है, सूर्य उत्तरायण में है और एकादशी के दिन एकादश श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। 11 श्लोकों में यह स्तुति है। आप सभी से निवेदन है कि अब तो टेक्नोलॉजी का समय है, हम भी थोड़ा इसका उपयोग भगवान की सेवा में कर लें। तो जिन जिन के पास मोबाइल फोन्स हैं, वे अपने मोबाइल में भीष्म स्तुति को सर्च कर सकते हैं और गाना चाहे साथ में तो साथ साथ गा सकते हैं, और जिन्हें केवल श्रवण करना है तो वे भावपूर्वक श्रवण का आनंद ले सकते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृषा भगवती सात्वत पुंगवे त्रिभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तु प्रकृति सुमेन
पिता वितृष्णा, मेरी यह जो मति है, मति अर्थात बुद्धि, मेरी यह जो मति है इसको मैंने जीवन भर बहुत संभाल कर रखा है। कैसे? जैसे कोई पिता अपनी कन्या को बहुत संभाल कर रखता है और उचित समय आने पर उचित वर को उसको प्रदान करता है, इसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि को उस कन्या के समान संभाल कर रखा है। और हे प्रभु, मुझे अपनी बुद्धि रूपी कन्या के लिए, मति रूपी कन्या के लिए उचित वर आपके रूप में मिल गया है।